हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। चलिए हम सभी एक बार बोल लेते हैं गायत्री मंत्र को, जिसको जिसको आता है साथ में उच्चारण करेंगे, नहीं तो आप स्क्रीन पे देखकर पढ़ भी सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, गायत्री मंत्र सबसे कॉमन मंत्र है, और जब एक बच्चा छोटा पैदा होता है हमारे देश में, तो भी सबसे पहले पहला मंत्र जो उसको हम सिखाते हैं वो है गायत्री मंत्र। दोस्तों कोई भी जब गेस्ट आता है, हम कहते हैं बेटा गायत्री मंत्र सुना दो, और बच्चा भी फटाफट गायत्री मंत्र सुना देता है। चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर पर्सनल लाइफ हो, सुबह सुबह कई लोगों के दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है। दोस्तों आपको आज मैं बता दूँ गायत्री मंत्र है क्या एक्चुअली, और किस तरह से इसका उच्चारण किया जाना चाहिए, और किन परिस्थितियों में इसका उच्चारण किया जाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों अक्सर लोग गायत्री मंत्र जपने की मूर्खता कर बैठते हैं और उनको उल्टा फल मिलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, श्रुति में हमारे पृथ्वी पे सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, और उसी आत्मा से प्राण का प्रादुर्भाव होता है, जिसके कारण प्राणियों का शरीर धारण करना, वनस्पतियों का उगना, पंच तत्वों का सक्रिय होना संभव है। हमारे जो मानव शरीर है उसमें 24 तत्व होता है, जैसे चैतन्य, आत्मा, मन, बुद्धि, अष्ट धातु, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत। दोस्तों गायत्री मंत्र में भी आपने अगर ध्यान दिया होगा, 24 अक्षरों का गुंथन है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है उसके उच्चारण से मनुष्य की जिह्वा, मुख, तालु की ऐसी नाड़ियों का क्रमबद्ध संचालन होता है, जिससे हमारा शरीर के विभिन्न भागों में यौगिक चक्र जो होते हैं वो जागृत हो उठते हैं। दोस्तों जैसे हम कुंडली जागरण की जब बात करते हैं, तो षष्ठ चक्र जागृत किए जाते हैं, 6 चक्र होते हैं वो जागृत करते हैं। दोस्तों वैसे ही गायत्री के उच्चारण मात्र से लघु ग्रंथियों को जागृत करके आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक वेद मंत्र के एक देवता होते हैं, जिसकी शक्ति से मंत्र फलित होता है और सिद्ध होता है, और गायत्री महामंत्र का देवता सविता या सूर्य माने जाते हैं। दोस्तों गायत्री मंत्र की शक्ति सूर्य पर ही अवलंबित है, गर्मी हो, प्रकाश हो, रेडिएशन हो, सूर्य की ही स्थूल शक्ति है। इसके अलावा सारे समस्त जितने भी हमारी धरती पे प्राणी हैं उनका जीना मुश्किल है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं गायत्री महामंत्र का देवता सूर्य महाप्राण है, जो चेतना बनकर समस्त धरती को महामंत्र है, जो प्रत्येक मंत्र साधक और मंत्र के अधिष्ठाता यानी देवता सूर्य के मध्य एक ब्रिज का काम करता है। जब हम गायत्री मंत्र का क्रमबद्ध, लयबद्ध और वृत्ताकार क्रम से जप करते हैं, तो जितने ब्रह्मांड के मानस माध्यम हैं दोस्तों, एक विशिष्ट प्रकार की बहुत ही अजीब सी तरंगे उससे उठती है, जो हमारे स्प्रिंग नुमा पथ यानी कि स्पाइरल सर्कुलेटरी पाथ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसका मान्यता करती हुई सूर्य तक पहुँचती है। दोस्तों आपका एक एक मंत्र का जप अगर आप सच्चे दिल से करें, तरीके से करें, तो एक एक मंत्र माना जाता है आपका सूर्य तक जाता है, और उसकी प्रतिध्वनि या बुमरंग जो बोलते हैं, या प्रत्यावर्ती बाण के पथ के समान लौटते समय वो लौट के हमारे तक पहुंचती है, और जब लौटती है वो तरंग, तो सूर्य की दिव्यता, प्रकाश, तेज, ताप और जितने अलौकिक गुण होते हैं सूर्य के, उन सभी से उस रे को युक्त करके, उस तरंग को युक्त करके साधक को इन दिव्य अणुओं से भर देती है। दोस्तों साधक शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही प्रभावित होता है, और गायत्री मंत्र द्वारा दोस्तों हम अपने अंदर के काले मटमैले और जो भी हमारे जो पाप के आचरण हैं उसको प्रोत्साहन देने वाले जितने प्रकाश हैं, जो हमारे जीवन में अंधकार लाते हैं, उन सभी को दूर करके हमारे जीवन को, इन अणुओं को हम दिव्य, तेजस्वी, सदाचरण, शांति और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले मानव अणुओं में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा मंत्र है,
और अगर इस मंत्र को आप अच्छे से करते हैं रोज, तो माना जाता है आपके चेहरे पे एक अलौकिक सा तेज चमकने लगता है। जैसे गायत्री मंत्र की उपासना से हमारे भीतर के दूषित प्रकाश अणु को हटाने और उनके स्थान पर दिव्य प्रकाश अणु आते हैं दोस्तों, उसी तरह से सूर्य देवता हमारे जीवन को बदलकर बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। दोस्तों, सूर्य की रश्मि वर्णमाला के विभिन्न प्रकार के संयोग से उत्पन्न होती है। इसी तरह से हमारे अंदर भी जितनी क्वालिटीज होती है वो सभी अलग अलग हो करके एक एक मनुष्य का व्यक्तित्व निखर कर बाहर आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी गायत्री का जप करने बैठें अपने मन को स्वच्छ कर लें, और त्रिसंध्या काल में ही आपको करना चाहिए। चाहे तो आप पढ़ाई के लिए करना चाहें, विवाह के लिए करना चाहें, धन प्राप्ति के लिए करना चाहें, संतान सुख या गंभीर बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जप करें। आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे जप करना है। दोस्तों, गलत जप करने की मूर्खता बिल्कुल ना करें। दिन में 3 बार आप इस चमत्कारिक मंत्र का जप कर सकते हैं, तो माना जाता है जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है, इच्छा पूर्ति के लिए इससे अच्छा साधन जीवन में और नहीं माना जा सकता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है, और 3 बार 3 समय आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इन 3 समय को क्या कहते हैं, संध्या काल भी कहा जा सकता है। और गायत्री मंत्र का जप का पहला समय होता है प्रातःकाल या दोपहर के समय, मध्यान्ह जिसको हम कहते हैं, और शाम का समय। पर ध्यान रखें दोस्तों, जब सूर्य उदय होने वाला रहता है, जब आप सूर्य उदय के समय ये मंत्र को करेंगे, तो सूर्य उदय से पहले इस मंत्र को जपना शुरू कर दें, और मंत्र का जप इस प्रकार होना चाहिए कि सूर्य उदय के बाद तक मंत्र चलता रहे। इसी तरह से शाम के समय भी आपको करना है। सूर्य अस्त होने के ठीक पहले आपको शुरू कर लेना चाहिए मंत्र को जपना, और ठीक उसके बाद तक मंत्र जप चालू रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अगर आप मंत्र का जप करते हैं, तो माना जाता है कि आपके जीवन के सारे क्लेश आदि मिट जाते हैं। इन 3 समय के अतिरिक्त अगर आपको इसी समय मंत्र जप करना हो दोस्तों, तो ध्यान रखें हमेशा मौन रह करके करें, मानसिक रूप से जप करें। तेज आवाज में जप करने से मंत्र की वैल्यू खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप देखेंगे इस मंत्र को जप करने से आपकी त्वचा में, आपकी स्किन में जो चमक आएगी, लेकिन ध्यान रखें हमेशा सूर्य देवता के सामने बैठ करके इस मंत्र का जप करें, और आप खुद देखेंगे आपको तामसिकता से घृणा सी हो जाएगी। जो गंदगी करते हैं लोग, जो गलत लोग होते हैं, उनसे आपको गंदगियों से घृणा हो जाएगी। परमार्थ में रुचि जगती है, लोगों के लिए भलाई करने में आपकी रुचि जगती है, पूर्व आभास होने लगता है आपके जीवन में। आप एक एक चीज़ समय से पहले आपको पता चलने लगता है कि क्या चीज़ होने वाला है। आशीर्वाद अगर किसी को देते हैं आप दोस्तों, तो वो फलते फूलते हैं, नेत्रों में तेज आता है, स्वप्न सिद्धि की प्राप्ति होती है, क्रोध शांत होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है, सबसे पहले अगर दरिद्रता, जो लोग धन की बात करते हैं, धन की जिनको समस्याएं हैं दोस्तों, दरिद्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। और यदि किसी के जीवन में दरिद्रता हो, तो उसको बाकी बड़े बड़े डायलॉग्स और बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं सूझती। दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ आज क्या क्या चीज़ों में किस तरह से आप गायत्री का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, कार्य में कोई भी चीज़ में आप हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती है, आमदनी आपकी दिन पर दिन कम होती जा रही है, और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हिसाब आपके घर पे हो गया है, तो गायत्री मंत्र का जप आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आपको लेकिन दरिद्रता को दूर करने के लिए शुक्रवार का दिन, जो कि महालक्ष्मी माता का वार है, उस दिन से आपको इस मंत्र के जप करने की शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों, और आप देखेंगे 43 डेज जप करने के बाद लगातार आपके जीवन में किस प्रकार आपके धन संबंधी समस्याएं समाप्त होने लगती है। कैसे करना है आपको दोस्तों, सबसे पहले शुक्रवार को पीले रंग के वस्त्र पहन लें और गायत्री माता की फोटो, ध्यान रखें गायत्री माता हाथी पर विराजमान हो, ऐसी माता की आप फोटो या तो ले आए घर पे, या फिर आप अपने मोबाइल में निकाल के उनका ध्यान कर लें, और फिर गायत्री मंत्र का जप करें।
गायत्री मंत्र का जप के आगे और पीछे आपको ध्यान रखना है, संपुट लगाना है। मंत्र आपको सिर्फ 108 बार करना है। कमलगट्टे की माला से कीजिए, चंदन की माला से कीजिए, लेकिन जब भी मंत्र शुरू करेंगे तो पहले बोलेंगे श्रीम और फिर मंत्र पूरा होने के बाद बोलेंगे श्रीम। इस तरह से श्रीम का संपुट लगा करके 108 मंत्र का आपको जप करना है। इससे दोस्तों आपके दरिद्रता का नाश होता है और चाहे तो आप साथ ही साथ रविवार के दिन व्रत भी कर सकते हैं। सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देवता के सामने बैठ के इस मंत्र का जप करें दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें सुबह 9 बजे के पहले आपको ये कार्य करना है। इसके अलावा अगर कोई लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स अगर इस मंत्र को जप करना चाहें दोस्तों, गायत्री मंत्र बच्चों के लिए रामबाण होती है, स्टूडेंट लाइफ के लिए रामबाण कहलाती है, लेकिन दोस्तों इस मंत्र का 108 बार जप करना जरूरी होता है, तभी यह मंत्र लाभ देता है। सभी प्रकार की विद्या प्राप्ति के लिए, या फिर कोई बच्चे का अगर मन पढ़ाई में नहीं लगता है, याद किया हुआ भूल जाते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, आईएएस की परीक्षा में, सीए की परीक्षा में जा रहे हैं, आप बार बार भूल जाते हैं चीज़ों को शीघ्रता से, आपको कोई बातें याद नहीं रखती है, सभी प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलती है। आपको किसी भी दिन से आप इस गायत्री मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जो तरीका बताया है, आप उत्तर की ओर मुख करके या पूरब की ओर मुख करके, बेस्ट होता है पूरब की ओर मुख करना, उस ओर मुख करके लाल रंग के आसन में बैठ जाएं, एक लोटा जल, तांबे का लोटा जल भरा हुआ सूर्य देवता का नाम का रख लें, और एक कमलगट्टे की माला से या फिर आप एक चंदन की माला से गायत्री माता का ध्यान करते हुए इस जप को करें। नॉर्मल मंत्र आपको पढ़ना है 108 बार दोस्तों, आपकी सभी प्रकार की जो भी स्टडीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। दोस्तों किसी अक्सर लोगों में देखा गया है विवाह, आजकल विवाह बहुत ही देरी से हो रहे हैं, ऐसे में अगर किसी भी बच्चे की विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है तो आपको सोमवार की सुबह को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और माता पार्वती का ध्यान करते हुए रिंग ये लगाना है आपको, रिंग बीज मंत्र का संपुट लगा करके 108 बार जप करने से विवाह कार्य में जो भी बाधाएं आती है वो दूर होने लगती है। दोस्तों ये साधना, कई लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप सिर्फ पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं करती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पुराने जमाने में पहले स्त्रियां और पुरुष दोनों किया करते थे इस मंत्र का जप, लेकिन समय के साथ कुछ पीरियड्स की वजह से, कुछ प्रेगनेंसी की वजह से धीरे धीरे औरतों को इन सभी चीज़ों से दूर किया जाके रखने लगा, क्यों, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गायत्री मंत्र का जप लड़कियाँ नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी तरह के रोग से परेशान हैं तो रोग से मुक्ति बहुत जल्दी चाहते हैं तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में थोड़ा सा स्वच्छ जल भर करके रख लें और उसके सामने लाल आसन पर बैठ करके गायत्री मंत्र के साथ एंग ग्लिंग क्लिंग का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जप करें। जप के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन करें, गंभीर से गंभीर रोग का नाश होता है। दोस्तों ये जल अगर आप किसी भी रोगी को पीने को दे देंगे तो उसके भी रोग का नाश हो जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल रहे हैं शत्रुओं के वजह से, तो आपको प्रतिदिन विशेषकर मंगलवार के दिन, अमावस्या और रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आगे पीछे आप बीज मंत्र लगा लें क्लिंग, इसका 3 बार संपुट लगा करके, यानी क्लिंग क्लिंग क्लिंग, फिर ओम भूर्भुवस्व पूरा मंत्र बोले, फिर क्लिंग क्लिंग क्लिंग, इस तरह से संपुट लगाकर 108 बार अगर आप जप करते हैं तो शत्रुओं पर आपकी विजय की प्राप्ति होती है। मित्रों में सद्भाव आता है, परिवार में एकता आती है, और न्यायालय अगर आदि इस तरह से आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं दोस्तों तो वो भी दूर हो जाते हैं। अब मैं फाइनल बता दूं, संतान संबंधी परेशानियां अगर है किसी दंपत्ति को, तो आपको संतान से दुखी हैं, आप संतान आपकी बात नहीं सुनते हैं, या संतान आपके रोग ग्रस्त हैं, किसी भी तरह से संतान पक्ष से आप दुखी हैं दोस्तों, तो प्रातः उठ करके पति पत्नी को एक साथ सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और योंग
इस बीज मंत्र का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। संतान संबंधी जो भी समस्याएं हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, गायत्री मंत्र के फायदे एक से एक है, शायद बताते जाऊं तो ये जीवन कम पड़ जाए। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, गायत्री मंत्र जब भी करें शुद्धताई से करें, किसी की बुराई चुगली आदि ना करें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, किसी का तिरस्कार ना करें, और तब इस मंत्र को पवित्र मंत्र के मन के साथ सूर्य देवता के सामने एक तांबे के लोटे में जल भर के करें और फिर सूर्य देवता को अर्घ दे। देखिए आपके जीवन की सारी परेशानियां किस तरह से दूर हो जाती है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध दही घी और शहद मिलाकर के 1000 गायत्री मंत्रों के साथ अगर हवन करते हैं तो दोस्तों इससे भी माना जाता है आँख के रोग, चेचक के रोग, पेट के रोग आदि समाप्त हो जाते हैं। इसमें समिधाएँ पीपल की होना चाहिए, ध्यान रखें पीपल के पत्ते या पीपल की फल आपको ज़रूर रखना चाहिए। गायत्री मंत्र के साथ अगर आप नारियल का बूरा और घी का हवन भी करते हैं दोस्तों तो भी शत्रुओं का माना जाता है नाश हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि हो तो आपको नारियल के बूरे में शहद मिला करके आपको हवन करना चाहिए, 108 आहुति देनी चाहिए गायत्री मंत्र के साथ, और आप देखेंगे दोस्तों आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी बहुत ज्यादा परेशान या दुखी है, जिनके जीवन में बदलाव किसी भी तरह से नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये गायत्री मंत्र का जप इस विधि से आपको करना चाहिए और आप देखेंगे कैसे सूर्य देवता की कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है, ढेर सारी मेहनत करनी है, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना है, उसके बिना कोई मंत्र कोई भगवान आपकी हेल्प नहीं करते हैं। तो सबसे पहले खूब सारी हार्ड और स्मार्ट वर्क करें। अगर तकदीर साथ नहीं दे रही है तो जो उपाय मैं बताते जाती हूँ उनमें से एक एक उपाय, बहुत सारे और सारे नहीं करने चाहिए, जितना आपके समय के अनुसार, ज़्यादा समय काम पर देना चाहिए, एक या एक से अधिक जो आसान सा आपको उपाय लगे सिर्फ वो किया करें दोस्तों, और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे और फटाफट आपके सारे काम बनने लगते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ ले, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।